अध्यक्ष मनीष त्यागी जी, स्टेज पर विराजमान सभी हमारे नेतागण साथी, आशा वर्कर बहनों, आपने पहले भी केजरीवाल के दरबार पर काफी अच्छा प्रोग्राम किया था, पर ये सरकार बैठी हुई जो निकम्मी है, जो को कुछ देना नहीं चाहती, जब उनको दिखता है कि कर्मचारी रोड पे आ गए, कर्मचारी अभी हमारी बेस्ती पे उतर आए, बेस्ती करने पे आ गए हमारे, तो ये फिर बुलाने का निमंत्रण दे देते हैं। साथियों, ये दूसरी बार आपको बुलाया गया है, ये इस तरह से ही करते रहेंगे। अगर ये चाहते तो पिछले प्रोग्राम जो 40 दिन चला था उस टाइम इन्होंने आपकी डिमांड को मान लेना चाहिए था, उस टाइम उस प्रोग्राम को दोहराया, नालच दे दिया और हमने हमारे नेतागणों ने उस प्रोग्राम को वापस ले लिया। पर ऐसा होता है कभी कभी, प्रशासन चाहे कुछ भी करे, प्रशासन की जो लड़ाई है, प्रशासन से जो आप टकरा रहे हैं, लड़ाई जो लड़ रहे हैं, आपका अधिकार आपको जरूर मिलेगा। ये संघर्ष आपके दिल्ली के तमाम अस्पताल आपके साथ हैं और AITC के जो अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के हरीश त्यागी जी, मैनेजर चौरसिया जी, इन्होंने अपना पूरा संघर्ष आपके साथ लगा रखा है, पूरी ताकत लगा रखी है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये आपको बुला के आपका अधिकार रहेंगे। हम इतना परिचित नहीं है पर इनको हर चीज के बारे में मालूम है, जो कि आज तक जहां भी ये अड़े कर्मचारियों को अधिकार दिलवाते रहे, इन्होंने अधिकार दिलवाया और आपको जरूर मिलेगा। अगर नई सरकार मानती और नहीं देती है तो तमाम अस्पताल जो है, जितने भी NPC के तमाम अधिकारी हमारे नेतागण साथी आपका सहयोग पूर्वक जोर शोर से करेंगे, तन मन धन धन से हर तरह से आपके साथ रहेंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए इतना कहूंगा कि सरकार केजरीवाल की या तो कुछ करेगी, नहीं तो तमाम स्वायत्त कर्मचारी आपके साथ आएगा। मैं दो चार नारे लगाऊंगा, इंकलाब जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ। धन्यवाद।